अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस, यूनिट 1 वी वर डिस्कसिंग अबाउट द कॉमन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। सो इन यस्टरडे लेक्चर वी डिस्कस्ड द टू कॉमन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, दैट इज अस्थमा एंड निमोनिया। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरी कॉमन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कॉमन कोल्ड, जिसको हम उर्दू में ये भी कह सकते हैं कि ठंड लग जाना, नजला जुकाम होना, फ्लू होना, दैट इज कॉमन कोल्ड। बेसिकली वायरल इन्फेक्शन है, जब वायरस आपके माउथ के थ्रू, आपकी आईज के थ्रू या आपकी नोज के थ्रू, वायरस जब आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाता है, आपके लंग्स में जाता है, तो वहां पर जाके ये इन्फेक्शन काज करता है। उसकी वजह से फिर हमें जो है वो कॉमन कोल्ड होना स्टार्ट हो जाता है, या हमारी नोज बहना शुरू कर देती है, हमें हल्का सा फीवर होता है, थकावट सी होती है, हमारे जॉइंट्स में जो है वो पेन होती है, या उसके अलावा हमारा गला दुखना शुरू हो जाता है। तो ये इसके कॉमन सिम्टम्स हैं, दैट इज कॉज्ड बाय अ वायरस, वायरल इन्फेक्शन है। सो इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास वायरल इन्फेक्शन है। सो वायरस जो है, जब तक वो अपना साइकिल कंप्लीट नहीं करता, वो हमारी बॉडी से नहीं जाता। सो ये है कि ये वायरस जो है अपना साइकिल कंप्लीट करेगा तो फिर हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन हाँ, वी टेक एंटी वायरल मेडिसिन ले रहे हैं, ड्रग्स लेते हैं, तो उससे ये होता है कि जल्दी वो वायरस अपना साइकिल कंप्लीट करके डेड होकर हमारी बॉडी से आउट हो जाता है। तो प्रिवेंशन यही है कि हम इसको बार बार, वैसे तो ये है कि जब वायरस से साइकिल कंप्लीट करना है, उसे हम अपनी बॉडी से चले जाना है और हमें ठीक हो जाना है, लेकिन हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। हम बार बार हाथ धोए, सफाई रखें, हाथ धोए अपने, और एक्सरसाइज करें डेली बेसिस पर, और जो बाकी लोग हैं, पीपल हैं, या इंफेक्टेड प्लेसेस हैं, वहां पर जाना अवॉइड करें, सो वी कैन अवॉइड द स्प्रेड ऑफ दिस कॉमन कोल्ड। तो दिस इज अ वेरी कॉमन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम दैट वी आर, वी पीपल आर इनकाउंटरिंग द डे आफ्टर डे। सो ये कॉमन प्रॉब्लम है। द नेक्स्ट इज ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। एक बैक्टीरिया है टीबी, ट्यूबरक्यूलोसिस बैक्टीरिया है, वो ये बीमारी कॉज करता है। ये एक सीरियस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। दिस इज कॉमन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम एंड इट इज नॉट यू नो हार्मफुल टू द डैट लेवल, लेकिन ये जो ट्यूबरक्यूलोसिस है, दिस इज अ वेरी सीरियस कॉमन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम दैट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ट्यूबरक्यूलोसिस बैक्टीरिया, और इससे हमारे जो लंग्स हैं बहुत बुरी तरह से इन्फेक्ट होते हैं। जिनको भी ट्यूबरक्यूलोसिस होता है, सिम्टम्स यही है कि उनकी लॉस ऑफ एपिटाइट, उनकी जो भूख है वो खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो वेट लॉस उनका होना स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा उनको फीवर हो जाता है, उनको चिल्स आती हैं, चिल्स मतलब ठंडी तेलिया जिस तरह से हम कहते हैं, और उसके अलावा उनको चेस्ट पेन होती है बहुत ज्यादा। तो ट्यूबरक्यूलोसिस फैल सकता है, ट्यूबरक्यूलोसिस स्प्रेड हो सकता है। कैसे स्प्रेड हो सकता है? अगर हम स्नीजिंग कर रहे हैं, छींक रहे हैं, या हम कफिंग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ये टीबी फैल सकता है। सो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है ट्यूबरक्यूलोसिस की, बेसिकली इसमें सबसे कॉमन ट्यूबरक्यूलोसिस का यही है कि ट्यूबरक्यूलोसिस द पेशेंट्स हु सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज, वो कफिंग बहुत ज्यादा करते हैं, कफिंग उनको बहुत ज्यादा होती है और उनका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो है उनको ये ऐसा लगता है कि दे हैव दिस डिजीज। तो इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, हम मेडिसिन यूज करें, एंटीबायोटिक्स यूज करें, तो उससे हम जो है ट्यूबरक्यूलोसिस से निजात पा सकते हैं। दूसरा ये कि हम सफाई रखें और स्प्रेडिंग जो है उसको जो अवॉइड करें, स्प्रेडिंग ना हो इस डिजीज की, इस बैक्टीरिया की, स्नीजिंग और कफिंग के जरिए स्प्रेडिंग होती है। सो इट इज बेटर फॉर द पेशेंट हु इज हैविंग दिस डिजीज कि वो अपने आप को सेपरेट करें लोगों से, ताकि उसकी वजह से जो उसके बाकी सराउंडिंग्स में रहने वाले उसके नियर्स एंड डियर्स हैं, वो इस डिजीज से बच सके। सो दीज आर टू कॉमन डिजीजेस, कॉमन कोल्ड एंड ट्यूबरक्यूलोसिस। कॉमन कोल्ड तो हम कॉमनली फेस कर रहे हैं, ट्यूबरक्यूलोसिस इज अ सीरियस डिसऑर्डर दैट शुड बी अवॉइड बाय कीपिंग द क्लीनलीनेस अराउंड अस एंड अराउंड यू। सो हियर आर
detail why smoking is harmful for us and injurious to our health, उसको हम डिस्कस करेंगे. आज के लिए इतना ही. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस यू कैन आस्क मी. अस्सलाम वालेकुम. अल्लाह हाफिज़.